प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को झारखंड के लोहरदगा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने हार का ठीकरा पहले से ही ईवीएम पर फोड़ने की तैयारियां शुरू कर दी, जैसे कोई बच्चा परीक्षा के नतीजों से पहले ही परेशानी गिनाना शुरू कर दे। चुनाव 29 अप्रैल को लोहरदगा में, चतरा और पलामू में होना है और इन तीनों सीटों पर 2014 के चुनाव में भाजपा जीती थी। लोहरदगा से केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत भाजपा उम्मीदवार हैं। जो लोग दिन में तीन बार पीएम बनने के सपने देखते हैं, उनके सपने चूर चूर हो गए, ये भी पीएम मोदी ने कहा। और साथ ही कहा, हम देश को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में मजबूत सरकार बनी तभी हम नक्सलवाद और माओवाद पर काबू पा सके हैं। झारखंड के उन इलाकों में जहां लोग दिन में निकलने से डरते थे, वहां स्थितियां बदल चुकी है। पीएम मोदी ने जनसभा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला और साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने अपनी हार का ठीकरा पहले से ही ईवीएम पर फोड़ने की तैयारियां शुरू कर दी। जिस तरह से कोई बच्चा परीक्षा में बैठने से पहले अपने नतीजों के बारे में सोचकर परेशानियां गिनाना शुरू कर देता है।